अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। झाल चकिया की मशहूर मज़ेदार दाल अगर आपने टेस्ट करनी है तो आपको झाल चकिया जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस्लामाबाद में आप पारा में आ जाएं, यहाँ आपको मिल जाएगी। इस होटल पर दाल के अलावा बारबेक्यू की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है और बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू भी आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। इस होटल पर आप ये देखें कि रात के वक्त जब मैं गया तो सर्दी भी थी इस्लामाबाद में, ठंड भी थी, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। आए इसके जो कुक हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस दाल में आखिर ऐसा क्या है। सर, कुछ तो हमारे बुज़ुर्गों की जो है ये किबला शाह जी सरकार, उन्होंने ढाबे से शुरू किया था एक सेटअप झाल चकियाँ से। तो अल्लाह पाक ने उसमें बरकत डाली, कुछ हजूर की सियाल का कमाल है, इसमें बरकत ही है, दुआ है उनकी, और इसमें कोई इतनी खासियत क्या है। ये सरगोधा से 8 किलोमीटर शाप रोड बनता है हमारा, तो झाल चकियाँ एक छोटा सा गाँव है। ये दाल आपके बुजुर्ग बनाते थे या आप उनके पास? जी, ये शुरू से बुजुर्गों ने शुरू की थी। किबला शाह जी सरकार सादात फैमिली से तल्लक है आपका, हमदानी फैमिली से, तो वो बनाते थे। उन्होंने छोटा सा सेटअप शुरू किया था ढाबे से, तो आज देख लें फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में अपना कदम जमाएंगे। जी जी, हमारा जी8 मरकज में F7 में हमारा डेरा के नाम से है, जी सी डेरा, और G8 मरकज वहाँ भी हमारी एक ब्रांच है। जो सबसे पहले ब्रांच थी वो G8 मरकज में थी। खास तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हजूर पीर सियाल की दुआ है, हमें तो दुआ का कमाल है। और रेसिपी में कुछ भी नहीं है, चना और दाल मूंग होती है हमारे पास, वो पकाते हैं, मसाले जाते हैं जो आम रूटीन में डलते हैं, इसको बनाना हमारा काम है और जायका जो है वो दुआओं का असर है बस। अच्छा, इसको बनाने में, आम दाल के बनाने में और इसके बनाने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन से ये जो है ना 6 घंटे के बाद तैयार होती है, 6 घंटे मैक्सिमम 6 घंटे लगते हैं इसे। चना और मूंग जो होती है ना, मिक्स दाल है, देसी घी में हम फिर ये तैयार करते हैं इसे। तो आपको यहाँ पे कितना अर्सा हो गया यार इस पॉइंट को? ये पुराना पॉइंट है जी, इसे हमारे तकरीबन 10 माह हुए हैं इस पॉइंट को, जो जिस सपारा में है। अच्छा, रिस्पांस कैसा है ये लोग दाल जी? अल्हम्दुलिल्लाह से। और कौन सी चीज खास है हमारे पास? चिकन मलाई बोटी हमारी, वो हमारी मशहूर है, हमारी झाल चकियाँ की मशहूर जो है क्रीमी सब्जी है, उसके बाद बारबेक्यू में हमारी आइटम है। अल्हम्दुलिल्लाह से हर चीज का मेयार है हमारे पास। बोलो जी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास इस वक्त जो है वो झाल चकियाँ की दाल है, और इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि ये जो दाल है इसका एक अपना ही टेस्ट है। वो तो मैंने सुनी सुनवाई बात आपको की थी, अब मैं इसको खुद ट्राई करके बताता हूँ, इसको रेट करते हैं कि इसको हम क्या रेट कर सकते हैं। मज़ेदार है, लेकिन इसका दाल टेस्ट के लिहाज से अच्छी है, और मेरे ख्याल में मैं आपको रिकमेंड करूँगा। रेट करूँगा अगर मैं इसको, तो इसको मैं रेट करूँगा 8/10। होटल वालों ने ये बताया कि हमारी चाय भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इनके कहने पर मैंने चाय ऑर्डर की और चाय वाकई बहुत ज़्यादा कड़क थी, बहुत मज़ा आया। और स्टील के प्याले में ये सर्व करते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी ये कभी ट्राई करें। सो गाइस, इसी के साथ ही मैं आज का वीलॉग एंड करता हूँ। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।